थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्यों पढ़ाई जा रही है। तो इसकी वजह ये है कि हमको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो अब ये बैकग्राउंड के साथ कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर बस का एड्रेस होगा, या ठीक है, तो बाइनरी में होगा या हेक्साडेसिमल में होगा। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, तो कुछ सिस्टम्स को समझते हैं। तो नंबर सिस्टम हम समझने के चाह रहे हैं। तो अब मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द थ्योरी, जरा पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप बेस 10 से फेमिलियर हैं तो उसको लेके चलेंगे। बेस 10 होती क्या चीज है? अभी चार किस्म के सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए, इसको आप समझते हैं। 578, एट एक यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, तो इसको तो आप समझते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और इसको हेक्साडेसिमल को भी समझते होंगे। तो अब ये देख रहे हैं रेड कलर से जो नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बेस कहते हैं या रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको रेडिक्स कहते हैं या बेस कहते हैं। तो इसको बेस समझ लीजिए, ये बेस 2 है। ठीक है ना, इसको 365 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पता चला कि नहीं है, 365 नहीं है, वो बेस 10 में होता है। ये ऑक्टल है, ठीक है, तो ये ऑक्टल नंबर है और ये हेक्साडेसिमल है। ये 2, 3 है, ए का कुछ और नंबर होता है, ई का कुछ और नंबर होता है। तो दीज आर द फोर सिस्टम हम अभी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना, तो हम क्योंकि इससे फेमिलियर हैं, इसको जनरलाइज करेंगे और फिर मैप करेंगे इस पे, फिर मैप करेंगे इस पे, फिर मैप करेंगे इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि 10 जब आप लिखते हैं बेस 10 में तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी थ्योरी है। मोस्ट नंबरिंग सिस्टम आर पोजिशनल। पोजिशन का क्या मतलब है? राइट साइड पे है तो वो यूनिट है, राइट साइड के बाद वाला है तो वो 10 है, उसके बाद वाला है तीसरा नंबर तो वो क्या है, वो 100 है, उसके बाद वाला 1000 है। तो ये पोजीशन से आप देख लेते हैं, या मैं फिर दिखाता हूँ। ये पोजीशन है, ये पहला वाला क्या है यूनिट, ये वाला क्या है 10, ये वाला क्या है 5, जो है वो 500 है। तो मोस्ट नंबर सिस्टम्स आर पोजिशनल। ठीक है ना, तो अब ये जरा शायद पता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वेयर एन इज एन इंटीजर विथ एन प्लस वन डिजिट्स, ये बेस है, ये बेस है, ये जो आर है ये बेस है और ये इसके नंबर्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं जरा एग्जांपल दिखा दूं और फिर मैं इस पे दोबारा से ले आता हूँ, अगर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ए आई इज ए सेट ऑफ 0, 1, 2, 3, ये जो सेट की डेफिनेशन है ना, सेट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चले कोई बात नहीं है, लेकिन हम आगे जरा जाते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, फिर वापस आ जाएंगे इस पे। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मसलन मैंने ये नंबर लिखा 278। ठीक है, तो 8 क्या है? 8 इज ए यूनिट। ठीक है, 1 इसको मैं यूनिट लिख देता हूं। ठीक है, और 7 क्या है? 7 इज ए 10, और 2 क्या है? 2 इज ए 100। ठीक है, तो 278 आया कैसे? जो नंबर है ना, इनको आप बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है बेस, इसको रेडिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस 10 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, अब जरा दोबारा मैं जाता हूं, तो जो भी बेस है, बेस की पावर होगी, बेस की पावर होगी, बेस की पावर होगी, और उसके आगे वो वाला नंबर जो उसके आगे लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये 278 आया कैसे? मैंने लिखा 2 × 10 + 2, 7 × 10 + 8 × 10,
मगर 10 की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, ये पढ़ा होगा मैथ्स में। तो एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 8। फिर 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 70 हो गया। और ये 10 की पावर 2 इज 100, तो ये 200 हो गया। तो 200 प्लस 70 प्लस 8 इज 278। तो ये वाली इक्वेशन समझ में आ रही है? ये वाली इक्वेशन समझ में आई थोड़ी सी या नहीं आई? एनीबडी, ये जो नोटेशन है समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है? जी सर, थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ी थोड़ी आई है, मतलब सर सही से समझ में नहीं आई है। चलिए इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, नहीं आई है। अच्छा जरा लेट मी, मैं इसको नंबर को तोड़ रहा हूं, ठीक है? ये बेस 10 का नंबर है। अब क्योंकि आप आदि हैं इसको पढ़ने के 278, तब मैंने इसको तोड़ दिया। ये एक अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। अब कैसे पता चलेगा कि ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है? तो पोजीशन से पता चल रहा है, जो आप क्योंकि इतना पढ़ते रहे तो आप कहते हैं यार ये जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है ये यूनिट है और ये यूनिट नहीं है, ठीक है? तो अब जरा देखते हैं, अब समझ में आ रहा है ये नंबर, ये वाला नंबर 200 प्लस 70 प्लस 8, अब समझ में आ रहा है ये, इसको क्या लिखते हैं हम? यही है ना नंबर? जी सर, समझ में आ रहा है। अब बताने का मकसद ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये यूनिट है, ये कैसे पता चलेगा ये 100 है और ये कैसे, सॉरी 100 ये है और ये यूनिट है। तो हमने क्या किया कि हम कहते हैं इसको इसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको इसकी बेस से मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं आप ये, चलिए मैं इसको बताता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो 8 है, यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 8 है ना, ये सॉरी 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 दिख रहा है ये 8, ये वाला जो 8 है ये रहा, और इसको इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये 8, ये 8 यहाँ आ गया और इसको 10 की बेस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। भाई लोग बोले हाँ या नहीं, कुछ समझ में आया? चले एक मिनट और। जी सर आया। चलिए थोड़ा सा मैथ्स को वीडियो से समझाना जरा आसान नहीं होता है। चलिए तो ये जो a a 0 है, ये 8 है, ठीक है? a 0 क्या है, 8 आ गया और 10 की पावर 0 आ गई। फिर a 1 क्या है, 7, ये a 1 है, 7 आ गया और 10 की पावर बढ़ गई, 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर क्या आएगी, 10 की पावर 2, तो 0 1 2, तो पहले वाला जो होगा उसको बेस की पावर 0 होगी, बेस की पावर कह रहा हूँ अभी, 10 ही कह रहा हूँ। फिर बेस की पावर 1 हो जाएगी, फिर बेस की पावर 2 हो जाएगी, बेस की पावर 3 हो जाएगी। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये तीन नंबर हैं, ये नंबर है एक्चुअली और ये पावर है, सॉरी ये बेस है और ये उसकी पावर है, तीन नंबर है। तो 200, ये रहा 200, एक मिनट, इसको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये बाकी लेक्चर इतना मुश्किल नहीं होगा। ये 200 है, तो 200 कैसे आया, 200 ऐसे आया कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 10 की पावर 0 से करेंगे। अब देखिए जरा फिर से समझते हैं,
कि ये जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये नंबर जो है, नंबर कैसे आया, नंबर ऐसे आया कि जनाब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। चलिए बोर्ड नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। समझिए मैं बोर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पोजीशन समझ में आ रही है, ये वाली पोजीशन जो है वो यूनिट है, ये 800 नहीं है। 100 कौन सी है, जो दो नंबर आगे होगा, जो दो नंबर आगे होगा। तो इसको कैसे करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेस की पावर से मल्टीप्लाई किया, इसको बेस की पावर से मल्टीप्लाई किया, इसको बेस की पावर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, नंबर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा बिल्कुल भी? नहीं से समझ आ गया। आ गया, शुक्र है। चलिए इसको और एग्जांपल करते हैं फिर हम देखते हैं। समझ में आना जरूरी है, देखिए इसको रटिएगा नहीं तो समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ्स का समझना जरा जरूरी है और इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आसानी से स्लो स्लो चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 200 कैसे आया, 10 की पावर को मल्टीप्लाई करने से, 70 की आय से आया 10 की पावर को मल्टीप्लाई करने से, 8 कैसे आया 10 की पावर को, बेस की पावर को मल्टीप्लाई करने से। तो बेस कैसे शुरू होगी, राइट हैंड से शुरू होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। कोई सवाल है, कोई आ गया? चलिए स्वागत, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फिर उसको देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी एक नंबर है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। 800, 843, ठीक है। 800 कैसे आया, 40 कैसे आया और 3 कैसे आया, ये उसकी बेस है, ये उसकी बेस है। तो ये मैंने इसकी बेस को ब्लू कर दिया, इसकी बेस को ब्लू कर दिया, इसको रेडिक्स भी कहते हैं इसलिए आर लिखा हुआ है, तो इस बेस को ब्लू कर दिया, ठीक है। एक मिनट, ये इसकी बेस है, इसको भी मैं ब्लू कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि ये कैसे आया। तो क्या किया हमने, पहले जो ए जीरो है ये क्या है, ये 3 है, ए 1 क्या है, ये 4 है, और मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉपी, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूं। ए टू, एक मिनट, इसको मैं सब्सक्रिप्ट कर दूं, फॉर्मेट, ये सॉरी गलत कर दिया, ठीक है।
ठीक है, अब जरा देखिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए अब जरा ऊपर वाली इक्वेशन देखते हैं कि ऐसा नंबर जो बेस 10 में है उसको क्या करेंगे, बेस 10 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेस 10 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 10 है, फिर पावर 2, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और कोई और नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 7 है तो 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा उसकी पावर, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है, तो 10 की पावर 0 कितना होता है, 1, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, तो 10 ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 ये आ गया, 3 आ गया, इसी तरह से 10 की मल्टी पावर 1 का मतलब है 10 हो गया, तो ये 40 हो गया, इसी तरह 10 की पावर 2 इज 100, तो ये 800 हो गया। अब 800, अभी आप देख रहे हैं ये वाला जो नंबर है ये 800 है, ये 40 है क्योंकि वो दरमियान में है, ठीक है, ठीक है, तो ये बेस 10 का मतलब है जो राइट वाला है उस पे कोई यूनिट है, ये वाला जो है वो 10 है यानी 40 है, और ये 10 नहीं है, ये 100 है, तो बेस से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, फिर उसमें जमा हो जाएगा, ठीक है, फिर उसमें जमा हो जाएगा, फिर उसमें जमा हो जाएगा, तो ये नंबर कैसे आया, ये नंबर ऐसे आया कि हमने इसको 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 8 को 10 की पावर 2 से किया, 40 को 10 की पावर 1 से किया, 3 को 10 की पावर 0 से किया, तो जो भी नंबर है लेफ्ट वाला ये आ गया, उसके बाद वाला ये आ गया, उसके बाद वाला ये आ गया, पहला नंबर क्या था 3, दूसरा नंबर क्या था 4, तीसरा नंबर क्या है 8। अब समझ में आ रहा है ये वाली चीज, अगर इस तीन को हम बात करें तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ए 2 क्या है 8, 8 ए 1 क्या है 4, ए 0 क्या है 3, ठीक है, तो वो नंबर आ जाएगा, तो 843 बेस 10 में कैसे आया, ऐसे आया, ये समझ में आया, तो फिर बाकी भी समझ में आ जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों को, मेरे साथ हैं? जी सर। सही, ठीक है, चलिए अब अगर ये बेस, जी कोई सवाल है? जी सर। अब यही इक्वेशन है, अगर ये बेस 10 के बजाय 2 हो जाएगी तो ये 10 के बजाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, जो भी बेस लगी हुई है नंबर वही रहेगा, ये मेथड यही रहेगा, ये नंबर को हम ऐसे कर लिया करेंगे, बेस चेंज हो जाएगी, अगर ये यहाँ यहाँ अगर बेस 2 लिखी हुई है या 8 लिखी हुई है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, बस तरीका यही है, तो 10 वाला तरीका समझ में आ गया, अब हम जरा देखते हैं फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा ये वो 10 की एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये वही है कि 1000 1234 1234, तो ये देख रहे हैं आप, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 10 की पावर 3 आ गई, 10 की पावर 2 आ गई, 10 की पावर 1 आ गई, देख रहे हैं आप, ये 0 1 2 3, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1234 कैसे आया जनाब, इस तरह से आ गया, तो ये बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस है, ये 1234 बेस 10 है, तो जरा लिखना मुश्किल होता है, इसको मैं क्या करूं, सब्सक्रिप्ट कर दूं, ठीक है, बेस 10 है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं, अब बेस 2 है तो क्या होगा, तो जहां जहां 10 आया था नंबर यही रहेगा, जहां जहां 10 आया वहां 2 आ जाएगा,
तो पोजीशन वैसे ही रहेगी, ईच डिजिट पोजीशन इज अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ टू और इट इज ए मल्टीप्लाइड बाय एन एप्रोप्रिएट पावर ऑफ टू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑन द नंबर। जरा एग्जांपल देखते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे। अब ये देखिए ये वही इक्वेशन है, ये वो नंबर है जो लिखा होगा, ये वो नंबर है 1001, तो ये नंबर है a n a n minus 1 a 1, ये वो नंबर है। और बेस क्या होगी, बेस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, ये वाला 1 ये रहा, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा और बेस 2 आ जाएगा, इसको मैं नीला कर देता हूं, ठीक है। वही तरीका रहेगा, नंबर लेंगे और उसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप 1001, तो 1001 को हमने क्या किया, ये वाले 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 0 ये आ गया, ये वाला 0 ये आ गया, ठीक है, और ये वाला नंबर आ गया। तो ये एक्चुअली है क्या, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 2 की पावर, तो पहला वाला नंबर कौन सा होगा 2 की पावर 0, दूसरा नंबर क्या होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तब ये इक्वेशन समझ में आ रही है, वाली इक्वेशन समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि जनाब कोई भी नंबर है जिसकी जो बेस है वो बेस आ जाएगा, फिर इसको हटा दूं थोड़ा सा, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये एक्चुअली बेस है, ठीक है जी। कोई सवाल है सर जी? पहले से पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, तो लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आप कह रही हैं समझ में है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो क्या करूं उसको जल्दी जल्दी, मैंने तो कहा था पढ़ लें थोड़ा सा, हम जल्दी जल्दी गुजार लेंगे। तो डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, या क्या पलक कह रही है पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या करूं, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मुझे तो आखिरी स्टूडेंट्स को भी लेके चलना है जिनको नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं समझ में आ रहा है, तो एनीबॉडी क्या करना चाहिए? अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर सबको आता है तो फिर प्रॉब्ली विल नॉट यूज द टाइम। नहीं सर, नहीं सर, सर पहले नहीं पढ़ा। अच्छा देखिए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो माय अपोलॉजी, अगर उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको पहले से आता है, लेकिन क्योंकि एक कोर्स का पढ़ रहे तो हमें समझाना होगा। तो एनीबॉडी हु वुड नॉट लाइक टू अटेंड दिस क्लास, वो अटेंडेंस लगा के जा सकता है, लेकिन जिसने पढ़ना है वो मुझे तो बार बार पढ़ाना है, समझाना है, मैं चाहता हूँ कि ये समझ में आ जाए, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है, ये बेस है, ये उसके सामने वाला नंबर है, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर ये बेस है, उसकी पावर बढ़ गई, उसके आगे एक नंबर है, तो ये नंबर है 1001, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, और सबको मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, और फिर इन सबको आपस में जमा कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब ये वाली चीज समझ में आ रही है जी? निर्मल लाल, कोई सवाल है आपका? निर्मल सर, बेस 2 8 10 और 16 हो सकता है? बेस 2 क्या हो सकती है? बेस 2 8 और 10 16, चार बेस यूज कर सकते हैं। हाँ सही बात है, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, वो जो इक्वेशन थी अब उसको समझते हैं थोड़ा सा जी। हमने यही कहा था, देखिए हमने कहा था कि हम चार नंबर पढ़ेंगे, और क्योंकि आपको डेसिमल आता है तो हम डेसिमल से शुरू करेंगे, पहले इसको समझेंगे,
इसकी बेसिस पे हम फॉर्मूला समझेंगे या टेक्निक समझेंगे, फॉर्मूला नहीं है वो टेक्निक है, तो सही है। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ ये उसकी बेस है, बेस 10 है, ये 0101 के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, तो ये बेस 2 है। इसमें 8 नहीं हो सकता, 1 2 3 4, इसमें 16 होता है, तो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर है तो नंबर होता कैसे है, ये उसका नंबर है और ये उसका बेस का मल्टीप्लायर है। जैसे अभी आपने पढ़ा यूनिट है, तो यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 0 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 1 से, फिर उसके बाद जो नंबर है उसके बाद, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये उसकी बेस है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ये टेक्निक क्या थी कि 2278 को हमने क्या किया। अच्छा मैं थोड़ा सा और समझाया, तो ये मैं डिलीट कर दूं। देखिए 0 1 2 3 4, उसके बाद 9 के बाद वो नंबर रिपीट हो जाता है, यानी 10 हो जाता है, 10 यही है ना, 10, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया ना, 10 नंबर हो गए, ये 10 नंबर हो गए। तो 10 नंबर का मतलब है बेस 10 है, 0 1 का मतलब क्या है, बेस 2 है, ठीक है। तो ये जरा बेस समझ लीजिए, मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बेस 8 है, 8 के बेस 8 के अंदर 8 नहीं आएगा कभी भी, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वो रिपीट होगा, बात समझ आ रही है। जैसे 10 क्या चीज है, 9 के बाद एक और नंबर आ जाता है जिसको हम 10 कहते हैं, तो वो रिपीट हो जाता है, तो ये ऑक्टल नंबर है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में कुछ और होगा। तो अभी हम इस इक्वेशन, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इक्वेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है। ये बेस है और ये बेस की पावर है, और उसके आगे वाला जो नंबर अभी हमने देखा है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तब फिर से देख लेते हैं, ये क्या है, ये बेस की पावर है, तो बेस की पावर 0 हो गई, और ये क्या है, ये पहला वाला नंबर है 8, ये दूसरा वाला नंबर है 7, ये तीसरा वाला नंबर है 2। तो 210 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके आया, ये 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके आया, ये 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है भाई, कुछ सर समझा पाए या नहीं समझा पाए। जी यस सर, अच्छा चलिए इसको हम यहीं तक रोक लेते हैं, ताकि हम दोबारा से फ्रेश होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन भारत ये मैं स्लाइड ये वाली और दोनों वाली अपलोड कर देता हूँ, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रेजेंट तो लगा दें सर, प्रेजेंट तो लगा दें, आप गायब होते हैं जब अटेंडेंस होती है, उसके बाद आप आ जाते हैं। मैंने 3-4 दफ़ा पूछा संगीत, तो आप उस वक्त नहीं थे, बहरहाल अटेंडेंस तो लग जाएगी आपकी। सर वो नेट में, हाँ कोई बात नहीं, तो लग जाएगी ना, अभी पहले ये लेक्चर ले लो, फिर आपकी आप रुक जाइएगा, और जिस जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट, मैंने ये कहा ना जब अटेंडेंस जिस वक्त होती है उस वक्त आप बताएंगे, जिस वक्त लेक्चर खत्म हो रहा था उस वक्त आप बता देंगे कि भाई मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम इसको, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर जिन लोगों को मुश्किल हो रही है उनको थोड़ी सी एफर्ट लगा के समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनका तो कोई मसला नहीं है, उनको पहले से आता है सारा कुछ है, लेकिन हम सारे लोगों को सिखाना है, मेरा जो मकसद है सारे लोगों को सिखाना है। तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर का समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो एक दूसरे से सर तुम मुझे समझा दो, तुम मुझे समझा दो, लेकिन उसको समझ लीजिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ये नंबर सिस्टम ये लॉजिक को बिल्ड करेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल होती तो, मुश्किल सिर्फ इसलिए हो रही है कि बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो मुझे थोड़ा सा मिटाने में और लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैथ्स को ज़रा स्लाइड से पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो बहरहाल इसको हम दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, तो उसको यहीं रोक लेते हैं, और
मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा से फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो इसको हम बंद कर लेते हैं। वो लोग रुक जाएं जिनकी अटेंडेंस रह गई है, बाकी लोग जा सकते हैं। सर जी, सर सर क्विज के हवाले से कुछ बता दें जो आज होगा। क्विज में सवाल होंगे, आपने जवाब देना होगा। क्या बताऊं सर, रिटर्न में लेंगे या फिर? हाँ, रिटर्न में है, अल्लाह की बंदी जब आप जाएंगे ना तो वहाँ सवाल होगा, उसके नीचे ही आपने टाइप करना होगा, ऐसे होगा। LMS पे ही जाएगा वो, मुझे नहीं देना है। आप जाएंगी उस पे, 15 मिनट होंगे, जैसे आपने मैनुअल दिया था ना वैसे ही 15 मिनट होंगे, और आपके पास 2 अटेम्प्ट है। वैसे तो 1 अटेम्प्ट होता है, लेकिन अगर आपका नेट चला गया या आपकी बिजली चली गई तो वो दूसरा अटेम्प्ट भी अलाउ करेगा 15 मिनट, आप उससे ज्यादा नहीं आपको अलाउ करेगा, आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। समझ कर लें, कोई मसला हो तो बता दिएगा, सर मसला हो गया था, ये हो गया था, करें तो सही। उसको उसमें ही देना होगा, कागज पे नहीं देना होगा, वहाँ सवाल होंगे उसी के अंदर टाइप करना होगा। सर आज आपके स्टूडेंट की जी, सर आपकी क्या है? सर आपके स्टूडेंट की आज बर्थडे। कौन से स्टूडेंट की? सागर की आज सर बर्थडे, वो कह रहा था सर को बताओ। तो पहले बताना चाहिए था ना, सागर केक भेजेगा तो मैं डेट चेंज करूंगा, सागर केक नहीं आएगा तो डेट नहीं चेंज होगी सागर। अच्छा चले तो बताएं फिर किस दिन रखना है उसको, नेक्स्ट डे रख दूं, फ्राइडे रख दूं? सागर क्या करूं, कहां सागर है? सर वो चला गया, मतलब पैसे लगते ना उसके। अब बता दे मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर से थोड़ी पता चलता है कि किसी की सालगिरह है। अगर वो मनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो अज्यूम कर रहा था कि क्लास ना हो, हम वैसे इसी तरह से करते हैं। चलें अब मैंने कर दिया, उसमें है ये कि मैंने बताया था कि 5 हम क्विज लेते हैं, अगर आप एबसेंट हो गए या अच्छा नहीं हुआ तो आपके बेस्ट ऑफ 3 काउंट होते हैं, आपकी अटेंडेंस नहीं है या कोई अच्छा नहीं है तो बेस्ट ऑफ 3 काउंट होंगे 5 में से। तो अगर 15 मिनट निकाल के कर ले 5 बजे, क्योंकि सालगिरह तो 5 बजे नहीं शुरू होगी, कर ले फटाफट पढ़ के, तो बाकी फिर आइंदा मुझे पता होगा तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, ठीक है? चलिए अब जरा अटेंडेंस पे चले जाते हैं, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो मुझे बता देगा। तो संगीत की अटेंडेंस नहीं हुई है, संगीत कहाँ है भाई, संगीत की अटेंडेंस हो गया, और कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है?